तो गाइस यार आज ना सुबह से सिंचन मैं और चॉप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और गाइस आप लोगों को बता दूं कि मैंने और सिंचन ने प्लान किया था एक बहुत बड़ी गाड़ी लेने के लिए, लेकिन गाइस हमारे गैराज में ना इतनी ज्यादा जगह है नहीं कि हम लोग उसके अंदर कोई गाड़ी पार्क कर सके। और वैसे भी हमारे पास पहले से एक गाड़ी है, तो गाइस हमारे गैराज में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। सिंचन और मैं हम दोनों ये सोच रहे हैं कि हम दोनों अपने नई गाड़ी को कहाँ खड़ी करेंगे, इसलिए गाइस हम लोग ना अभी तक गाड़ी लेके नहीं आए हैं। बैंगन भैया जरूरी थोड़ी है कि गाड़ी हमारे गैराज के अंदर हो, रोड के साइड में खड़ी कर देना। चुप, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर चोरों से हमारी गाड़ी कौन बचाएगा? तू तो रात को सो जाता है। बिल्कुल सही सिंचन। गाइस यार मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, रात में ना चॉप जैसे सोता है वो डायरेक्ट सुबह ही उठता है। लिटरली गाइस ये नाम का डॉग है, वैसे ये डोंकी है जैसे इसकी हरकतें हैं। लिटरली में ये ना चोरों को पकड़ता है न कुछ। नहीं नहीं चॉप, हम लोग गाड़ी को बाहर नहीं खड़ी कर सकते। गाइस यार मुझे ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, मेरा गैराज वैसे भी बहुत ज्यादा छोटा है यार। ट्रायंगल भैया अब हमारा एक बार गैराज देखो कितना छोटा है। हाँ सिंचन सही बोल रहा है, गाइस हमारा गैराज काफी छोटा है, सिर्फ इसके अंदर एक कार आती है, उसके बाद ये गैराज भर जाता है। एक कार और एक बाइक, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं रख सकते यार। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन गाइस अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी हमारा गैराज छोटा है तो छोटा है, लेकिन हाँ हमें कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा और हमें बड़ा गैराज बनाना ही होगा। सिंचन क्या बोलता है, हम लोग इस गैराज के ऊपर एक गैराज और बना दे क्या? ट्रायंगल भी है हम इस गैराज के ऊपर गैराज बना तो दें, लेकिन फिर गाड़ी ऊपर कैसे लेके जाओगे? हाँ सिंचन ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गाइस यार हमारे घर में जगह तो है नहीं, एक काम करते हैं पूरे घर को देखते हैं और पूरे घर में जहाँ भी जगह होगा हम वहीं पर गैराज बना देंगे। क्यों सिंचन ये बात ठीक है ना? ठीक है फ्रैंकल भैया, ढूंढते हैं और गैराज बनाने का सोचते हैं कि आखिर में हम लोग गैराज कहाँ बनाएंगे यार। हाँ गाइस हमें ना कहीं जगह ढूंढनी होगी जहाँ से हम लोग गैराज बना सकें। वैसे सिंचन क्या बोलता है, ये दीवार तोड़ के हम लोग अंदर बड़ी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं क्या? फ्रैंकल भैया नहीं नहीं, फिर हमारे घर का लुक खराब हो जाएगा और चोरों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे गाड़ी रखी हुई है यार। हाँ यार ये बात भी है, गाइस हम लोग दीवार तोड़ते हैं ना तो लिटरली हमारे घर में कोई आराम से घुस जाएगा। नहीं नहीं हम दीवार नहीं तोड़ सकते गाइस, हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। सिंचन एंड चॉप सोचो सोचो हम लोग क्या कर सकते हैं। गाइस यार मैं सोच रहा हूँ ना कि आप ही लोग बताओ कि हम लोग क्या करें। और हाँ आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो फटाफट से ना वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। और हाँ कमेंट बॉक्स में जाओ और अपना अपना आइडिया बता दो यार। ट्रायंगल भैया काम करते हैं, हम लोग गाड़ी नहीं लेते। ए चुप पागल क्या है, गाइस देखो चुप कह रहे कि हम लोग नई गाड़ी ना ले। हाँ और क्या गाइस, जब यार ये चुप को पहले चुप कराओ, नई गाड़ी क्यों ना ले। गाइस यार ये चुप ना पागल है, वेट मैं इधर जाके देखता हूँ, क्या पता हमें कुछ मिल जाए और जहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी को खड़ी कर सके यार। ट्रायंगल भैया इस साइड में, हमारे घर की बैक साइड में देख लो, मुझे तो लगता है यहाँ पे यार कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। गाइस यार वैसे यहाँ पे ना जगह तो है, लेकिन हम लोग अंदर गाड़ी लाएंगे कैसे? सिंचन यहाँ जगह है लेकिन गाड़ी आ नहीं सकती है, और गाइस यहाँ आगे जाएंगे तो हमारे घर का एंड हो जाएगा। नहीं नहीं आगे तो कुछ नहीं हो सकता, और गाइस लिटरली में हमारे घर में कहीं भी थोड़ी भी जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ियों को रख सके, और आगे देखो आगे तो घर एंड हो जाता है। नहीं नहीं सिंचन यहाँ तो कुछ भी नहीं हो पाएगा यार। ट्रायंगल भैया मैंने तो बोला ही आपको हमारे घर में जगह है ही नहीं यार। ट्रायंगल भैया एक आइडिया आ रहा है मेरे को। हाँ चॉप बता दे तेरा आइडिया। गाइस एक बार चॉप का आइडिया भी सुन लेते हैं कि वो क्या बोलता है, और मुझे उससे ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं बता बता चॉप तेरा आइडिया बता दे यार। अगर मेरा आइडिया अच्छा लगेगा तो आपको एक बर्गर खिलाना पड़ेगा, बोलो खिलाओगे? ठीक है एक नहीं दो बर्गर, पहले आइडिया तो बता। फ्रैंकल भैया क्यों ना हम अपनी नई गाड़ी को पड़ोसी के घर में रख दें? चॉप वैसे तूने बोला तो ठीक है, लेकिन गाइस हमारे पड़ोसी घर में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। हमारे घर के आगे इतनी सारी जगह है और उसके गैराज में बहुत कम जगह है। लिटरली गाइस उसकी गाड़ी खुद की तो बाहर रहती है और हम लोग उसके घर में खड़ी करेंगे। चल चॉप आजा मैं तुझे दिखाता हूँ। गाइस यार आप लोग भी देखना कि हमारी पड़ोसी की गाड़ी
हरदम बाहर ही रहती है और लिटरली में उसकी टोटल 10 गाड़ियों से चोरी हो भी चुकी हैं। और गाइस वो बार बार नई नई गाड़ियां लाता रहता है और चोर चोरी करते रहते हैं यार। फ्रैंकल भी सही बोला आपने। गाइस आज भी देखो हमारे पड़ोसी की गाड़ी बाहर है और ऊपर से इसका गैराज कितना छोटा है और हाइट भी कितनी कम है इसके गैराज की। हाँ सिंचन, इसके गैराज में तो नहीं रख सकते। नहीं चौप, हम लोग यहाँ नहीं रख सकते। यार मेरा प्लान कितना बकवास था गाइस, मुझे अपने आप में शर्म आ रही है। मैंने तो सोचा मैंने एक नंबर का प्लान सोचा होगा यार। नहीं नहीं सिंचन एंड चौप, हमें कुछ और सोचना होगा। गाइस वेट, हमारे घर के सामने वाले पहाड़ में काफी ज्यादा जगह है। सिंचन एंड चौप, तुम्हें ये जगह कैसी लग रही है यार? फ्रैंगल भी है, जगह तो सारी अच्छी है पर चोरों से कैसे बचाओगे? गाइस आप लोग देख सकते हो, अगर मान लो हमने गाड़ी यहाँ खड़ी भी कर दी पर रात के 1-2 बजे किसी भी चोर ने हमारी गाड़ी देख ली तो समझो चोरी हो जाएगी फ्रैंगल भैया। हाँ गाइस, ये जगह तो बहुत बड़ी है लेकिन गाइस चोरों को पता चला कि हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है वो रात में ले जाएंगे। लेकिन सिंचन मेरे पास एक और आइडिया आ रहा है यार। फ्रैंगल भैया अब कौन सा आइडिया आ गया आपको? ये देख, ये सामने दीवार नजर आ रही है तेरे को? हाँ आ रही है। और क्यों ना हम इसमें एक बड़ा सा गेट लगा के जमीन के अंदर बेसमेंट में अपनी गाड़ियों को खड़ी करें, फिर क्या बोलता है? मेरा आइडिया कैसा लगा तेरे को? अरे ये तो काफी अच्छा आइडिया है फ्रैंगल भैया, आपने अपना जीनियस माइंड कहाँ रखा था छुपा कर? गाइस देखो क्या फ्रैंगल भैया सोचते हैं यार। हाँ सिंचन, गाइस मैं सोच रहा हूँ ना कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे अपना एक सीक्रेट बंकर बनाए और गाइस लिटरली हम वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ और हाँ खुद को रहने के लिए जगह भी बनाए, जिससे गाइस कल को ना हमें कुछ भी हो या इमरजेंसी हो हम वहाँ जाकर रह सकते हैं यार। वाह यार क्या सोचा है गाइस, इतना दिमाग है फ्रैंगल भैया के पास। लेकिन फ्रैंगल भैया हम लोग अपने सीक्रेट बंकर बनाएंगे कैसे? ये तो काफी ज्यादा हार्ड हो गए ना। हाँ हार्ड तो है लेकिन गाइस लॉस एंड्रोस में ना ऐसी ऐसी मशीनें जो ये काम चुटकी में कर देंगी। सिंचन हमें करना होगा लेकिन हाँ वो काम करने में हमें बहुत बड़ी मशीन चाहिए। और गाइस आप लोगों को बता दूं ऐसी मशीन है जो दीवार काटते हुए बिल्कुल सुरंग बना देती है और वो बहुत बड़े बड़े होल कर देती है जमीन पर। फ्रैंगल भी है लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम उन मशीनों को खरीदेंगे। वैसे सिंचन मैंने कब बोला कि हम वो मशीनें खरीद के लाएंगे? गाइस शायद सिंचन मेरा प्लान समझ नहीं रहा। सिंचन अभी तुझे समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? फ्रैंगल भैया मैं समझ गया, जब तू समझा है? हाँ मैं समझ गया। अच्छा बता क्या समझा है? मतलब हम लोग सीक्रेट बंकर नहीं बनाएंगे। लो फ्रैंगल भैया सुन लो क्या बोल रहे चौप। गाइस लिटरली ये चौप ना बस खाता है और पड़ा रहता है। गाइस मैं जो सोच रहा हूँ वो सिंचन समझ गया है। हाँ मैं वो बड़ी वाली मशीन ना चुरा के लेके आने वाला हूँ और जैसे ही मेरा काम हो जाएगा वो मशीन में वापस रिटर्न कर दूंगा। क्यों सिंचन मैंने सही बोला ना? हाँ फ्रैंगल भैया मैंने भी यही सोचा था। और यार फिर मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? क्योंकि चौप तू बहुत ज्यादा स्मार्ट है ना इसीलिए। ओ थैंक यू सो मच। सिंचन ये चौप तो अपने बेइज्जती में भी हमें थैंक यू बोल रहा है। लिटरली गाइस ये चौप ना चौप नहीं, चौप द डॉग नहीं, चौप द डोंकी होना चाहिए। अरे डोंकी डोंकी मत बोलो गाइस, मैं एक डॉग हूँ, डॉग चौप द ब्रेव डॉग। हाँ ठीक है चौप, पता है हमें तू कितने ज्यादा ब्रेव है। ठीक है गाइस अभी यहाँ से फटाक से निकलते हैं। और वेट वहाँ देखो गाइस वो लोग ना स्मोकिंग कर रहे हैं और हाँ स्मोकिंग करना सबसे गंदी बात है। चलो एक बार ना उन लोगों को मना करते हैं। सुनिए यहाँ पब्लिक प्लेस में गार्डन में स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, आपको पता नहीं है क्या? अरे सही बोला भैया, मैं जा रही हूँ, अब स्मोकिंग नहीं करूंगी। वेरी गुड गाइस मैंने समझाया और ये समझ गए। और हाँ नहीं समझते ना तो पक्का मुझे कुछ और करना पड़ता। फिलहाल ये लोग तो समझ गए हैं। चल सिंचन हमें जाना भी है और जल्द से जल्द बड़ी वाली मशीन लेके भी आना है। गाइस ये लिटरली मुझे फटाफट यहाँ से निकलना होगा। और हाँ सिंचन मेरे हिसाब से ना वो हमें बहुत दूर मिलेगा। और गाइस मुझे पता है कि यहाँ लॉस एंड्रोस में कहाँ पे काम चल रहा है जहाँ पे वो मशीन होगी यार। फ्रैंकल भैया चलो फटाक से, गाइस मैं तो चाहता हूँ जल्दी से वो मशीन आए और हमारा सीक्रेट बंकर बन जाए। कितना मजा आएगा, हम उसमें बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखेंगे यार। हाँ सिंचन उसके अंदर हम लोग तो अपना ट्रेन भी डाल सकते हैं। फ्रैंकल भैया कब तक पहुँचेंगे? हम कम से कम 1 घंटे से गाड़ी में बैठे हैं। हाँ हाँ चौप मुझे पता है। और गाइस आप लोग देखो
मैं लॉस एंड्रोस से ना काफी ज्यादा दूर आ गया हूँ। हाँ गाइज, यहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, और आप लोग को बता दूँ, वो जो मशीन है ना पहाड़ों के अंदर भी सुरंग करती है, इसीलिए वो मशीन आसपास में ही है और मुझे लोकेशन पता है। वेट, यहाँ तो चेकिंग लगी हुई है, अंदर जा नहीं सकते। सिंचैन क्या करें, अंदर जाएं? और वहाँ पे गार्ड भी है यार। फ्रैंक भी गार्ड है ना, चलो गार्ड को बेहोश कर देंगे, लेट्स गो। ओए, तुमने ये बैरियर कैसे तोड़ा, पागल हो क्या? और तुम कौन हो? मार जा रे। फ्रैंक भी है, अपने तो डायरेक्ट बेहोशी कर दी यार। हाँ सिंचैन, अभी ये चिल्लाता ना तो सभी को पता चल जाता कि हम लोग बिना बताए अंदर आए। फिलहाल अभी किसी को पता नहीं चलेगा। और गाइस, आप लोग देख सकते हो, ये वाली मशीन की बात कर रहा था मैं। ये मशीन ना बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। सिंचैन, अभी ना हमें ये चुराना है। लेकिन गाइस, आस पास में देखो, बहुत सारे वर्कर्स हैं, इनको पता चल गया कि हम ये चुराने वाले हैं तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं यार। फ्रैंकल भी है, जो होगा देखा जाएगा, आप टेंशन मतलब हम... तुम तो हमारे कैटेगरी के नहीं लगता है। तुम कौन है और तुम कार को अंदर लेके कैसे आ गए? यहाँ पे आना सबका मना है, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ बच्चे। अंकल कुछ नहीं, बस हम यहाँ पे मैकेनिक का काम करते हैं, ये देख रहे हैं कि मशीन के ब्लेड खराब हो गए, ये अच्छे हैं। अरे पागल हो क्या, मैकेनिक तो मैं खुद हूँ, तुम मुझे झूठ बोलते हो, तुम मुझे चोर लगते हो, मुझे लगता है तुम चोर हो। अरे हाँ हाँ, अपना आईडी कार्ड दिखाओ तब मानूं कि तुम मैकेनिक हो। अरे अरे, हम लोग मैकेनिक हैं। अरे फ्रैंकल भी, हम लोग तो फंस गए यार। अरे तुम तो चोर हो, आ जाओ सारे लोग, ये चोर है। गाइस यार, इन लोगों ने पता लगा लिया कि मैं ये मशीन चोरी करने आया हूँ, लिटरली सिंचैन। अब मैं क्या करूँ, ये लोग तो तीन तीन है। फ्रैंकल भी है, नीचे आ जाओ वरना हम लोग हार जाएंगे। आओ फ्रैंकल भी, नीचे डरो मत। अच्छा तुम हमसे लड़ोगे? गाइस अभी ना इन लोग को बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, लिटरली मैं एक एक पंच में। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ताकतवर आदमी है यार। एक एक पंच में ना मैं सभी को बेहोश कर दूंगा। और लिटरली गाइस, ये लटक ले और एक और मुक्का और ये बेहोश हो गया। लिटरली गाइस, अभी वो बार बार मैं उसको मार तो रहा हूँ लेकिन वो वापस से बार बार खड़ा हो जा रहा है। फ्रैंक भैया, इनमें से किसी को भी मत छोड़ना, सबको बेहोश कर देना, ठीक है? हाँ सिंचैन, मैं इन सभी को ना बेहोश तो कर ही दूंगा। और गाइस, अभी इन लोग को पता चलेगा ये लोग किससे फाइट कर रहे थे। अभी ये भी गया और एक थप्पड़ इसके, और ये लो। लिटरली गाइस, इन सभी को ना मैंने अकेले बहुत गंदी तरह बेहोश कर दिया है। सिंचैन अभी और आए, उससे पहले ना हमें मशीन लेके यहाँ से निकलना होगा। चलो गाइस, अभी ये सब के सब ढेर हो गए हैं, अभी फटाक से ना मशीन लेके यहाँ से निकलते हैं। चॉप और सिंचैन, तुम दोनों फटाक से इसी मशीन में बैठ जाओ यार। फ्रैंकल भाई ठीक है, मैं तो बैठ गया, चलो यहाँ से चलते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हो, ये मशीन कितनी ज्यादा पावरफुल है फ्रैंकल भैया, और बहुत ज्यादा भारी भी है। गाइस अभी मैं इसको चला रहा हूँ ना तो मुझे पता लग रहा है कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितनी ज्यादा भारी है। आप लोग देखो, इसने हमारी गाड़ी को धक्का दिया और हमारी गाड़ी पूरी चकनाचूर हो गई यार। फ्रैंकल भैया, ये मशीन काफी खतरनाक है, इसलिए गाइस आप लोग देख सकते हो, हमारी मशीन अब हमारे घर जाने के लिए रेडी हो गई है। सिंचैन, अगर हमें पुलिस ने पकड़ लिया तो? अरे बोल देंगे कि हम लोग तो वर्कर हैं, हमारे मालिक ने भेजा है हमें ये मशीन लेके। बिल्कुल सही सिंचैन। और गाइस फिलहाल ना हमें पुलिस पकड़े उससे पहले ना इसको फटाक से लेके अपने घर पहुंच जाना चाहिए। सिंचैन एंड चॉप, मैं तुम्हें बता दूं, ये मशीन ना बहुत ज्यादा महंगी आती है। गाइस लिटरली ये देखने में लग नहीं रही लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगी है, तो चलो इसको लेके ना फटाफट लॉस एंड लॉस जाते हैं और अपने घर में अपना काम स्टार्ट करते हैं यार। फ्रैंकल भाई सही बोल रहे हो, गाइस इससे हमारा काम फटाफट हो जाएगा और ये मशीन चुराने का फायदा भी हो जाएगा। लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, लेकिन आपको क्या बताऊं, लॉस एंड लॉस में तो बहुत दिक्कत आ रही थी। हाँ सिंचैन बिल्कुल सही। गाइस ये गाड़ी ना काफी ज्यादा बड़ी है और इसको मोड़ने में ना काफी ज्यादा दिक्कत आता है। और हाँ, ये लॉस एंड्रोस के लोग भी ना बहुत ज्यादा पागल हैं, ये बार बार मेरी गाड़ी के आगे आ जा रहे हैं और लिटरली मैं इनको आराम से उड़ा दे रहा था यार। फ्रैंकल भी है, हमारी गाड़ी की वजह से पूरा जाम लग रखा था, ये तो देखो। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो, इस अकेले की गाड़ी ने पूरा रोड कवर कर रखा था, ना गाड़ी आ पा रही थी ना जा पा रही थी। अभी फिलहाल गाइस मैं आ चुका हूँ, लेकिन हाँ हमें वो सीक्रेट बंकर का गेट कहाँ बनाना है, मैं सोच रहा हूँ उस साइड बनाऊँ। फ्रैंकल भैया हाँ, ये वाला नहीं, वो पेड़ के बगल वाला, ये मस्त है फ्रैंकल भैया, यहीं पे बनाओ सीक्रेट बंकर का गेट। ओके तो गाइस
अभी मैं स्टार्ट करता हूँ अपना काम। और हाँ, मैंने मशीन को चला दिया है अभी गाइस। लिटरली में ना ये इसको पूरा काटते हुए अंदर तक बहुत सारा मलबा बाहर निकाल देगी। सिंचैन अभी मैं स्टार्ट करता हूँ और तुम दोनों आराम से बैठे रहना गाइस, लेट्स गो। और आप लोग चाहते हो कि हमारा सीक्रेट बंकर बनके तैयार हो जाए, तो आप लोग उसके लिए जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाओ और फटाफट लिख दो ओपी फ्रैंकलिन, ओपी सिंचैन और हाँ चॉप द डोंकी, ये बढ़िया रहेगा। फ्रैंकलिन भैया, सब कुछ ओपी और चॉप डोंकी, ये तो गलत बात है। हाँ फ्रैंकलिन भैया, ये डोंकी तो नहीं है, तो डॉगी ना है। हाँ ठीक है गाइस, आपको जैसा ठीक लगे ना वैसा लिख दो। डोंकी लिखना है डोंकी लिख दो, चॉप द ओपी लिखना है ओपी लिख दो। वैसे ये काम ना इतनी आसानी से होगा नहीं। सिंचैन, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ और बहुत सारे डायनामाइट लेके आऊँ। फ्रैंकलिन भैया फिर खड़े क्या हो, जाओ डायनामाइट लेके आओ। जब तक मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करने दो, मैं किस तरह इसको काटूं जिससे हमारा ये वाला एरिया पूरा कट जाए। सिंचैन, तुझे कुछ भी नहीं आता, समझ गया? एक मिनट सिंचैन, तू फटाफट देना काम करके रखियो, मैं जाता हूँ और लेके आता हूँ। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बहुत सारा डायनामाइट लेने। लिटरली में गाइस, डायनामाइट लेके आऊंगा ना और मैं उसको वहाँ पे लगा दूंगा और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट और हमारा सीक्रेट टनल जल्द से जल्द कम टाइम पे रेडी हो जाएगा। तो चलो अभी जाते हैं। लेकिन वेट, जाने के लिए हमारे पास तो कार है ही नहीं। वेट, ये कार आ रही है। अरे भाई साहब, ठोक दिया मेरे को। अरे मैंने कब ठोका, तुम मेरी गाड़ी के आगे रुके हो। वेट, अभी बाहर निकल। गाइस अभी इन लोगों ने मुझे ठोका और उल्टा मुझे बोल रहे हैं यहाँ से निकल जाओ वरना बहुत मारूंगा तुम लोगों को। फ्रैंकलिन भैया दो मिनट मुझे बैठने दो, उसके बाद आपको जो करना करना। फ्रैंकलिन भैया, डायनामाइट महंगा आता है क्या? हाँ हाँ चौप, बहुत ज्यादा महंगा आता है। गाइस अभी फटाफट जाते हैं। और हाँ आप लोगों को बता दूं, लॉस एंड्रोस में ना एक ही शॉप है जहाँ पे गन डायनामाइट और सब कुछ मिलता है। और लिटरली गाइस एक एक डायनामाइट ना बहुत ज्यादा महंगा आता है और हमें कम से कम 50 से 60 डायनामाइट तो लगेंगे। क्या चौप, मैंने सही बोला ना? फ्रैंकलिन भैया 50-60 तो नहीं, पर 20 तो लग ही जाएंगे, क्योंकि गाइस आप देख सकते हो वो एक बहुत बड़ा पुल है, वहाँ पे यार ज्यादा डायनामाइट की जरूरत होगी। वैसे गाइस अभी ना मैं पहुँचने वाला हूँ गन शॉप के पास और लिटरली गाइस मुझे वहाँ से जल्द सारा सामान लेके और जल्द से जल्द घर पहुँचना होगा। और हाँ सिंचैन घर में है और वो काम कर रहा है, तो चलो। वैसे भी चौप तो मेरे साथ आ गया है, तो सिंचैन को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है यार। फ्रैंकलिन भैया, सिंचैन इतना काम अकेले करेगा यार? फ्रैंकलिन भैया मेरे को छोड़ देते, मैं वहाँ पे सारा काम कर लेता। हाँ जो भी काम सिंचैन करेगा ना गाइस, ये चॉप ना उसको बर्बाद कर देगा। नहीं नहीं चॉप, सही हुआ तू मेरे साथ आ गया। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ एमोनेशन। और हाँ यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हाँ गाइस अभी आप लोग देखो अंदर, इतने सारे गन्स और इतने सारे सामान है अंदर। और भाई बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरे को फिलहाल अभी कोई गन तो नहीं चाहिए, और मेरे को चाहिए बस डायनामाइट जिससे मैं जमीन के अंदर ब्लास्ट करवा सकूं यार। अच्छा अच्छा, डायनामाइट हो गया, कितने पीस चाहिए आपको? मेरे को कम से कम दे दो आप। हाँ 20 पीस दे दो आप। 20 पीस तो आपके हो गए यहाँ पे 5,70,000 रुपए हो गए आपके। यार थोड़ा डिस्काउंट तो दिखाओ, 5,70,000। ठीक है मैं आपको एक काम करता हूँ, पूरे 5,00,000 दे देता हूँ, ठीक है ना? अरे 5,00,000? अरे भाई साहब आप हमेशा डिस्काउंट लेके जाते हो, अगली बार मैं आपको डिस्काउंट नहीं दूंगा। ठीक है मैं अगली बार वापस से डिस्काउंट ले लूंगा। गाइस मैं जब भी आता हूँ ना हरदम डिस्काउंट ले लेता हूँ। और आप लोगों को बता दूं मैंने डायनामाइट ले लिया है। फ्रैंकलिन भैया डायनामाइट ले लिया आपने? हाँ हाँ मैंने ले लिया, ये पूरा बैग भरा हुआ है। गाइस अभी इसको अंदर रखते हैं और फटाफट यहाँ से निकलते हैं। और गाइस इसको ना बहुत आराम से लेके जाना होगा, वैसे भी ये ब्लास्ट करा तो हमारी पूरी गाड़ी ना ब्लास्ट कर जाएगी और मैं चौप हवा में उड़ जाएंगे और कहाँ जाएंगे हमें कुछ भी नहीं पता यार। फ्रैंकलिन भैया आराम से चलाना गाड़ी को। गाइस मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी रिस्क लेना, आराम से ब्रेक मारो। फ्रैंकलिन भैया इतना फास्ट मत चलाओ ना। नहीं नहीं चौप, कुछ भी नहीं होगा। चौप देख मैं बिल्कुल फास्ट जाऊंगा और हाँ ये डायनामाइट बिल्कुल भी ब्लास्ट नहीं करेगा, क्योंकि गाइस डायनामाइट को ना ब्लास्ट करने के लिए हमें बहुत जोरदार टक्कर चाहिए और वो होगा नहीं। तो चलो उसको लेके ना यहाँ से जल्द घर पहुँचते हैं यार। ठीक है फ्रैंकलिन भैया फिर फटाफट चलो। गाइस अभी हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। पहुँचने वाले क्या हैं, बस पहुँच ही गए। फ्रैंकलिन भैया इतना फास्ट कौन चलाता है? गाइस अभी तो मैं गाड़ी से फिसलते फिसलते बच गया था। हाँ हाँ चौप
मुझे पता है जब भी मैंने ब्रेक मार लिया था। एंगल भैया सिंचन बस सो ना रहा हो गाइस क्योंकि सिंचन मेरे से भी ज्यादा आलसी है। नहीं चौप आलसी तू है गाइस चौप ना बहुत ज्यादा आलसी है लेकिन सिंचन उसको जो काम कह दो वो काम कंप्लीट करता है यार। अरे आ गए आप लोग यार मैं तो काम कर करके थक गया लेकिन मैंने काम पूरा कर दिया फ्रैंकल भैया। हाँ गाइस यहाँ देखने में लग रहा है सिंचन ने बहुत ज्यादा काम कर दिया है। गाइस अभी मुझे जो काम करना है ना मैं वो काम करता हूँ। सिंचन एंड चॉप तुम दोनों सावधान रहना और हाँ यहाँ से दूर रहना वरना ब्लास्ट हुआ तो लिटरली गाइस ये ब्लास्ट बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अरे मैं नहीं डरता किसी ब्लास्ट से गाइस मैंने अपना काम कर दिया है फ्रैंकल भी है बस आप डायनामाइट लगाओ ठीक है। ठीक है गाइस अभी मैं फटाफट ना सभी डायनामाइट को लगाता हूँ और आप लोगों को तो पता ही है ये कितना ज्यादा खतरनाक है ये यहाँ पर भी यहाँ भी और ऊपर और यहाँ। सिंचन साइड हट जा ये बहुत ज्यादा खतरनाक है जितना आसान लगता है ना उतना आसान है नहीं ये। फ्रैंकल भी है तो मैं कौन से डरता हूँ ओए डायनामाइट आ जा मेरे पास आके दिखा है। और वो गया और फूट गया तो तेरे चीतरे चीतरे कर देगा। फ्रैंकल भी है मैं तो मजाक कर रहा था रुकना रुकना दो मिनट मुझे बैठने दो गाइस फटाफट यहाँ पे हम लोग आराम से बैठ जाते हैं और लगाओगे क्या है। हाँ हाँ अभी तो बहुत लगाना पड़ेगा गाइस हमें बहुत बड़ा सीक्रेट बंकर बनाना है जहाँ पे हम लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को आराम से रख सकें। चल सिंचन इतना बहुत है 3 और 2 और गाइस 1। अरे अरे इतना बड़ा ब्लास्ट अरे भाई साहब कितना भयंकर ब्लास्ट है ये। हाँ हाँ सिंचन मुझे पता है गाइस अभी मुझे लगता है ना हमारा काम हो गया है। वो देखो गाइस अभी कितना ज्यादा अंधेरा है। सिंचन अभी फटाफट से ना हमें काम स्टार्ट करना चाहिए और गाइस आप लोग तो जानते ही हो सीक्रेट बंकर के अंदर हमें बहुत सारा काम करना है। और हाँ अभी आप लोग अंदर देख सकते हो पूरा अंधेरा अंधेरा है अंदर तो कुछ भी नहीं है अंदर हमें लाइट लगानी पड़ेगी और बहुत कुछ। तो चलो ठीक है अभी सारा काम करके ना आप लोग से एक बार में मिलते हैं तो लेट्स गो गाइस। फ्रैंकल भैया आखिर में हमारा बंकर बन ही गया। हाँ हाँ सिंचन बहुत ज्यादा मेहनत लगी लेकिन गाइस मैंने सिंचन ने और चॉप ने मिलके ये काम कर दिया है। चलो अभी आप लोग चाहते हो कि मैं अंदर जाऊं और आप लोग को दिखाऊं कि हमारा सीक्रेट बंकर कैसा बनाए तो उसके लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। और गाइस आप लोग को बता दूं ये मशीन की कटर्स ना सारे खराब हो गए हैं ये तो रिपेयर भी नहीं हो सकते यार। फ्रैंक भैया हमने देखा है कितने ज्यादा मेहनत किया है इसलिए खराब हो गए। लेट्स गो गाइस चलते हैं बंकर के अंदर। ऑलराइट गाइस अंदर आ चुके हैं और हाँ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि हमारा सीक्रेट बंकर कितना ज्यादा बड़ा है यार। गाइस देखो हम लोगों ने उस पुल के अंदर इतना बड़ा बंकर बना दिया एंड आपको बता दूं पुल के उस साइड में एक तालाब है और यहाँ पे उस तालाब का पानी आता है। हाँ सिंचन मैं वही बता रहा था। सिंचन ये देख इतना बड़ा सीक्रेट बंकर लेकिन गाइस अभी यहाँ पे ना काम थोड़ा आधा अधूरा है क्योंकि हमने सारी वायरिंग को ना ओपन रख रखा है और ये देखो ये तालाब का पानी यहाँ पर आराम से आ रहा है हमें पानी पीना होगा जब मर्जी पानी पी सकते हैं यार। फ्रैंकल भी है हम बोतल लेके आ जाएंगे अब बोतल में पानी भर लेंगे गाइस अब इसके अंदर तो हम अपनी कोई सी भी गाड़ी ला सकते हैं यार। और सिंचन तूने एक बात देखा ये पानी कितना ज्यादा ठंडा है लिटरली गाइस ये पानी बहुत ज्यादा ठंडा है यार। फ्रैंकल भी है क्योंकि ये डायरेक्ट लेक से होते हुए आ रहे ना इसलिए। फिलहाल गाइस हमारा सीक्रेट बंकर तो बन चुका है और हाँ आप लोगों को हमारा सीक्रेट बंकर अच्छा लगा है तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस बाय बाय।